दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीपी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और कई परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो आपकी आने वाली परीक्षा में ये बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और खासकर पुलिस की परीक्षा में तो ज़्यादातर ये पूछे जाने की संभावना है। तो शुरू करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा दोस्तों, वरना मत कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा देव घाटी। एशिया व उत्तरी अमेरिका का जो जलमंडरू अलग करता है वह होता है बेरिंग जलमंडरू मध्य। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नीलगिरी के दक्षिण में। प्रश्न नंबर चार है, देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर पाँच, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता क्या कहलाता है? उत्तर है बांगर मैदान। प्रश्न नंबर छः, चिल्का झील किस राज्य में है? सबसे कठिन प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, सबसे समझ लीजिए आप कम से कम ये 50 से 60 बार पूछा गया होगा सभी परीक्षाओं को मिलाकर। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है चिल्का झील किस प्रकार की झील है, तो इसका उत्तर होगा लैगून झील। किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है? तो इसका उत्तर होगा चिकनी मिट्टी। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? इसका उत्तर है गोलकुंडा तट। भारत की कौन सी नदी विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर जाती है बहती है? तो इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका उत्तर है नीलगिरी में। प्रश्न नंबर 11 है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा केरल। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? उत्तर है जेनेवा। 13 नंबर पर आते हैं, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? उत्तर है कृष्णा नदी पर। प्रश्न नंबर 14 है, कलपक्कम और तारापुर क्रमशः स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 15, बेला डीला छत्तीसगढ़ किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है लौह ऐश के लिए, यानी कि लोहे के लिए। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो इसका उत्तर है बेंगलुरु के पास। प्रश्न नंबर 17 है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? इसका उत्तर है त्रिपुरा की। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो 7%। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है जायरे। इराक का पुराना नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया। आगे बढ़ते हैं, नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। वारसा किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर है पोलैंड। कुंडा परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। सिंधु नदी की लंबाई कितनी? तो इसका उत्तर है 2280 किलोमीटर। अंतिम प्रश्न पर हम लोग आते हैं, 25 नंबर, मध्य प्रदेश से निकलकर ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र कितना है? तो इसका उत्तर 132,000 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये थे 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक नहीं हज़ार बार पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।